हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं ब्लू वेलवेट केक, हार्ट शेप का। बहुत अच्छा केक है ये। मैंने हाफ़ के जी टिन में इसको बेक किया है, लेकिन ये हाफ़ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1 kg से थोड़ा कम है। तो सबसे पहले लेयर्स में इसको कट कर लेंगे और फिर सोक करेंगे इसको। मैंने पानी को जो है बॉयल करके ठंडा कर लिया है, तो यहाँ पर पानी से इसको अच्छे से सोक करेंगे। और यहाँ पर देखिएगा, मैंने स्पंज को जो है वो बीच में नहीं रखा है, क्योंकि मुझे नीचे था दिमाग में कि कुछ लिखेंगे बाद में देखेंगे वो। तो यहाँ पर देखिए, चीज़ क्रीम को जो है वो मैंने थोड़ा सा चीनी डाल करके मिक्स कर लिया था, पाउडर चीनी। तो यहाँ पर जो है मिल्क कंपाउंड है, उसको मैं ग्रेट करके ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पर वाइट कंपाउंड भी ले सकते हो, ये भी चीज़ क्रीम ही है, जिसको कि मैं थोड़ा थोड़ा, जैसे अभी ये मावा की शेप में है क्योंकि ये अभी फ्रिज से निकाला था मैंने, इसीलिए अगर इसको थोड़ी देर आप बाहर रखोगे रूम टेम्परेचर पर तो ये स्प्रेड होने की कंडीशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड लेयर को भी अच्छे से जो है सोक कर देंगे पानी से, सिंपल पानी से। आप चाहो तो यहाँ पर एसेंस भी यूज़ कर सकते हो कोई भी, लेकिन ज़्यादा एसेंस अगर यूज़ करोगे तो कड़वा भी हो सकता है। तो ऐसे ही मैंने चीज़ क्रीम, थोड़ा सा वाइट मिल्क कंपाउंड ग्रेट करके डाल दिया है। ये खाने में ऐसे ही लगे, बहुत टेस्टी लगता है ये केक। तो मैं इसको कई तरह से बनाती हूँ इस फीलिंग को। तो यहाँ पर देखिए, थर्ड लेयर को भी मैंने अब साइड डाउन रख दिया है। अब इसको भी अच्छे से जो है वो सोक कर देंगे और फिर क्रम कोट करेंगे इसको, थोड़ा सा क्रीम लेकर के कवर कर देंगे सारा केक। मैं इसको ज़्यादा क्रीम इस पे नहीं लगा रही हूँ, बस थोड़ी सी जो है इसको, बस केक ना दिखे, सिर्फ इतनी ही क्रीम से जो है वो यूज़ करनी है मुझे, ज़्यादा क्रीम नहीं लगाऊंगी। तो हल्की सी क्रीम दे दी है मैंने इस पे, इसको हल्का सा कवर करके फिनिशिंग दे देंगे। तो आप देखोगे कि बहुत जगह से आपको केक भी नज़र आएगा, लेकिन ज़्यादा क्रीम लगाएंगे तो मज़ा भी नहीं आएगा। इसमें मैं थोड़ा सा ही क्रीम लगा रही हूँ, देखिए आपको काफ़ी जगह से केक नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो बाकी क्रम बच गया था, तो उसको मैंने जो है छलनी से छान लिया है, तो सारा जो है इसके ऊपर डाल देंगे। बहुत सुंदर केक लगेगा, आपको आप देखिएगा, ना ही कोई क्रीम की नोज़ल की ज़रूरत है हमें, ना ही किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इस पर, सिर्फ क्रम कोट किया है और ऐसे ही हम इसको बना देंगे। आपको कोई इसमें टूल्स की इतनी नीड ही नहीं है, लेकिन आप देखोगे तो केक आप हैरान रह जाओगे, बहुत सुंदर केक बनेगा। यहाँ पर मैं इसको पूरा कवर कर दिया है। तो अब भी जो है मैं मेल्टेड चॉकलेट ले रही हूँ, डार्क कंपाउंड। तो इससे थोड़ा सा रेंडमली मैं इस पर ऐसे ही लंबे लंबे स्ट्रोक दे दूँगी। और यहाँ पर लिखा है मैंने इससे मेल्टेड चॉकलेट से, तुम जियो हज़ारों साल। ये बर्थडे केक है, तो यहाँ पर भी साइडों में भी रेंडमली मैं इस पे चॉकलेट डाल रही हूँ। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि कहाँ डालूँ, जहाँ मेरा मन कर रहा था वहीं पे केक इस पे मैं चॉकलेट डाले जा रही थी। तो ये हज़ारों साल में थोड़ा सा जो है वर्स मतलब ऐसे मिक्स हो गया था। चॉकलेट का यही होता है कि एक बार जहाँ डल गई तो पूरा ही फैल जाती है, लेकिन हाँ इसकी एक अच्छी बात है कि ये सूखने के बाद आप इसको रिमूव कर सकते हो। तो ऊपर मैंने बर्थडे बॉय का नाम लिख दिया है, और ये जो हज़ारों में जो दो लेटर्स थोड़े से गड़बड़ हो गए थे, इनको मैं हटा दूँगी सूखने के बाद। ये देखिए ऐसे हट जाएंगे। अब मैंने थोड़े अलग से करके लगा दिया है, थोड़ी सी एक नीचे स्माइली, और कुछ भी ऐसे रेंडमली इसमें मैं डाले जा रही थी, तो मुझे अच्छा लग रहा था, तो देखने में केक बहुत सुंदर भी दिख रहा था। और क्रीम भी इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं हुई है, खाने में बहुत टेस्टी था। तो ये जो बच गई थी वो चॉकलेट मुझे सी पे डालनी थी। यहाँ पर सिल्वर बोल ली है मैंने, मीडियम साइज़ की है, ना तो बहुत बड़ी है ना ही बहुत छोटी है। तो इनको भी रैंडमली कहीं कहीं पर डाल देंगे, और एक बर्थडे टैग, और हमारा केक जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। ये देखिए बहुत सुंदर केक बना है। तो आपको डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगे तो आप भी बनाइएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, बाय बाय।